बवासीर एक ऐसी तकलीफ दे बीमारी जिसके बारे में कोई भी खुलकर बातें करना पसंद नहीं करता। इसके बारे में लोग बात करने से झिझकते हैं और इसी झिझक के चलते उनकी ये बीमारी और अधिक विकराल रूप लेती जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इसी बारे में, इसी विषय में है। आज हम इस विषय में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि सामान्य सी दिखने वाली बीमारी से शरीर के अंदर क्या-क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसके पीछे क्या-क्या प्रमुख कारण हैं, साथ ही कुछ परहेज हम आपको बताएंगे जिनका प्रयोग कर आप इस बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही कुछ घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही लाभदायक जानकारी आज आपको प्राप्त होने वाली है। पर उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही लाभदायक जानकारी लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कारणों के बारे में जान लेते हैं। इस समस्या के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कब्ज। जी हाँ, 100 में से 80 रोगी जो इस समस्या से पीड़ित हैं वो कब्ज के कारण ही इस समस्या से पीड़ित हैं। इसके अलावा बार बार दस्त लगने की अवस्था में भी यह समस्या कई बार उत्पन्न हो जाती है। मिर्च मसालेदार अधिक गरिष्ठ भोजन लेना इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। वहीं किसी प्रकार का नशा, मद्यपान, धूम्रपान भी इस समस्या को उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके अलावा उचित शारीरिक परिश्रम ना करना, रात्रि में अधिक देर तक जागना इस समस्या का कारण हो सकता है। वहीं कुछ रोग, विशेष तौर पर लीवर और आंतों से संबंधित रोग के चलते भी यह समस्या कई बार उत्पन्न होती देखी गई है। दोस्तों, अगर बवासीर को सामान्य तौर पर अलग-अलग भागों में विभाजित किया जाए तो दो तरह की बवासीर सामान्यतः देखी जाती है। एक है सूखी बवासीर और एक है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर के अंदर मस्सों के फूलने के साथ साथ मल मार्ग से रक्त भी निकलने लगता है। साथ ही तेज जलन और खुजली दोनों तरह की बवासीर में अनुभव की जाती है। इस समस्या के चलते शारीरिक तौर पर भी काफी परेशानियां व्यक्ति को अनुभव होती है, जैसे कब्ज लगातार बनी रहती है, एसिडिटी, बदहजमी, अच्छे से पाचन ना होना, मंदाग्नि, भूख ना लगना जैसी समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। इसके अलावा यदि बवासीर के अंदर रक्त अधिक मात्रा में निकलने लगे तो रक्त अल्पता भी कई मामलों में देखी गई है। इन सब के साथ भयंकर दर्द और जलन की समस्या एक आम सामान्य समस्या है। इन सब के अलावा विशेष तौर पर पुरुषों में उनकी पौरुष क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ना सामान्य सी बात है। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में आपको कुछ घरेलू उपाय बतलाने से पूर्व कुछ परहेज बता देना चाहूंगा, जिनका यदि आप पालन करेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि आपको औषधियों की, उन नुस्खों की आवश्यकता ही ना पड़े। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परहेज है कब्ज न रहने दे। कहने और सुनने में बहुत आसान लगता है पर खुद में यह एक अत्यंत कठिन समस्या है। कब्ज के ऊपर हमने पीछे कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाए हैं, आप जाकर उनको देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना प्रारंभ कीजिए, कम मिर्च मसालेदार, कम प्रोटीन व वसा युक्त भोजन आपको करना चाहिए। अपने भोजन में विशेष तौर पर आप टमाटर का अधिक प्रयोग करें, फल में चीकू, पपीते, जिमीकंद आदि आप अधिक से अधिक प्रयोग करें। दिनचर्या को नियमित करें, भोजन चर्या को भी नियमित करने की अत्यंत अधिक आवश्यकता है। सुबह अधिक देर तक खाली पेट ना रहें, भोजन नियत समय पर करें, बासी भोजन ना करें, एक नियत मात्रा में आप भोजन करें,
जब तक पहला खाया हुआ भोजन हजम ना हो जाए तब तक दूसरा भोजन ना करें। सुबह उठकर व्यायाम करने की आप आदत डालें। समय पर सोइए, समय पर उठिए, भूख ना लगे जब तक भोजन आप ना करें। विशेष तौर पर आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। यह मुद्रा ना केवल बवासीर की समस्या में आपको लाभ प्रदान करेगी, बल्कि विशेष तौर पर पुरुषों में शीघ्र पतन जैसी समस्या को भी यह मुद्रा अपने प्रभाव से आसानी से दूर कर देती है। अत्यंत चमत्कारी रूप से प्रभाव दिखाती है यह मुद्रा। चलिए अब आपको कुछ आसान घरेलू उपाय बताते हैं, कुछ नुस्खे बताते हैं जिनका प्रयोग करके आप इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाने में सफल रहेंगे। सर्वप्रथम आप गुड़ और बराबर मात्रा में भुनी हुई हरड़ का चूर्ण, इन दोनों को अच्छे से मिला लें और फिर मटर के दाने के बराबर आप इनकी गोलियां बना लें। फिर सुबह शाम दो दो गोली आप दूध के साथ लेना प्रारंभ करें। अर्श रोग में बहुत अच्छे लाभ की यह प्राप्ति करवाती है। इसके अलावा आप त्रिफला और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर गुलाब जल के अंदर इसे घोट ले। अब 7-7 ग्राम सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ आप इसका सेवन कीजिए। क्या उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ठीक इसी प्रकार का प्रभाव आपको अगले नुस्खे से भी प्राप्त होगा। उसके लिए आपको 2 से 4 ग्राम हरड़ का चूर्ण और उससे दोगुनी मात्रा में इसबगोल की भूसी गर्म दूध के साथ रात को सोते समय लेनी है। बवासीर की समस्या में यह अत्यंत सरलता से प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा यदि आपको 10 साल पुराना रखा हुआ घी प्राप्त हो जाए तो नियमित तौर पर बवासीर के मस्सों पर उसे लगाने से बहुत जल्द लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आप नारियल की जटा को जलाकर उसे भस्म कर लें। अब 2 ग्राम सुबह दही के साथ आप इसे खाली पेट खाइए। केवल आपको एक मात्रा लेनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि दही खट्टा ना हो। मैंने ना जाने कितने ही लोगों में देखा है कि केवल एक मात्रा से उनको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हुई। पर एक बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपको केवल एक मात्रा अर्थात एक बार ही इसका प्रयोग करना है, दूसरी मात्रा आपको नहीं लेनी। आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और यदि कोई व्यक्ति खूनी बवासीर से पीड़ित है तो एक पतासे के ऊपर बड़ के दूध की 10 से 15 बूंदें डालकर उसे अपने मुंह के अंदर रखकर धीरे धीरे चूसे, इस समस्या को बहुत ही आसानी से यह दूर कर सकता है। चलिए दोस्तों अब आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियां बतला देते हैं इस समस्या से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली और सबसे विश्वसनीय औषधि जो है वो है अभ्यारिष्ट। 5-5 ml सुबह शाम बराबर मात्रा में पानी मिलाकर भोजन के पश्चात आप इसे लेना प्रारंभ कीजिए। फिर 10 से 15 दिनों में आप इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाकर 15 ml तक ले जाइए। सभी प्रकार की बवासीर में बहुत ही उत्तम लाभ यह प्रदान करती है, साथ ही पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर कब्ज की समस्या को जड़ से समाप्त कर देती है। इसके अलावा कंकाण वटी का भी प्रयोग इस रोग में बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। पर इसका प्रयोग करने से पूर्व मेरी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि एक बार किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह आप एक बार अवश्य लीजिएगा। उसके साथ अपनी समस्या को विस्तार से साझा कीजिए ताकि आप अपनी समस्या के लिए ही दवा लें, फालतू की दवा ना लें। कई बार ऐसा होता है कि जो समस्या आपको नहीं दिखाई देती वो चिकित्सक काफी आसानी से पकड़ लेता है। तो ऐसे में अपनी समस्या को लेकर आप चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। इस प्रकार YouTube से ज्ञान तो अवश्य प्राप्त करें परंतु चिकित्सा ना करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, यही मेरी आपसे सलाह रहेगी। तो दोस्तों यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपनी समस्या अपनी बातें मुझ तक पहुंचाइए, मैं आपसे स्वयं कांटेक्ट करूंगा या फिर कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार
हमें बताइए, मुझे आपके कमेंट का सदैव इंतजार रहता है। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलते हैं ऐसी ही लाभदायक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।